जो होता है वो मार्जिन के लिए होता है, उसके बाद में आपके पास ऐसा स्केल है तो आपने सीधा निशान लगा देना है, ठीक है। ये सीधा निशान हो गया। उसके बाद में इसको जो लंबाई है, ये लंबाई 30.5 इंची है, तो यहाँ से 30.5 इंची प्लस 1 इंची ज़्यादा 31.5 के ऊपर निशान लगा देंगे। ये जो है ये कमर का सेंटर और छाती का सेंटर का निशान लगाना है। क्योंकि मैं जो है 42 के हिसाब से कटा हुआ था, ये छाती जो गिराव जो होता है ना मुंडा का, ये मैं 10.5 इंची कटा हुआ था, तो इसलिए मैं जितना आसान तरीके से बताता हूँ। अगर ना कभी नहीं कटिंग करने वाला भी 1 महीना पूरा मेरा वीडियो देख ले तो आराम से कटिंग करना जान जाएगा। उसके बाद में यहाँ से निशान लगा देना है। ये हो गया। उसके बाद में इसका 3 इंची रखा हुआ था गला, तो 3 इंची रखा हुआ था, तो इसमें हमने रखना है 1.5 इंची ज़्यादा करके 4.5 इंची, ठीक है। बैक में 1.5 इंची रखा हुआ था तो इसमें हमने ज़्यादा करके 4.5 इंची के ऊपर रख दिया। यहाँ से ये शोल्डर का डाउन का निशान लगा देंगे। यहाँ से 2 इंची का और सामने जो है वो 3 इंची का। ये हो गया। इसका कुश्ती जो है 1.5 इंची कम करके 9 इंची के ऊपर लगा देंगे। अगर कुश्ती में भी प्रॉब्लम है तो आप इसका भी फार्मूला बताया हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। और आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, गला कटिंग करने में, ब्रेस कटिंग करने में, तो इसके लिए भी एक फार्मूला बताया हुआ है, ब्रेस कटिंग जो कैसे काटते हैं, गला जो फ्रंट का कटिंग कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। तो आप वो भी वीडियो देख करके और आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। उसके बाद में आपने ये शोल्डर जो है, शोल्डर का मेजरमेंट कर लेना है, इसे 6.5 इंची हो गया। तो यहाँ से अब ये जो लाइन है यहाँ से आपको 2 इंची डाउन करना है, तो यहाँ से 2 इंची का एक निशान लगा करके और ऐसे डाउन कर दीजिए। अब इसका जो है 30.5 इंची लंबाई है, तो 10 इंची के ऊपर बटन का फासला लगाइए। ये नीचे से 10 इंची प्लस बटन फासला 4.5 इंची, फिर ये नेपल का, इसे गोल कर दीजिए। इसका नेपल जो है 2.75 इंची रखिए। और नीचे भी गुलाई कर दीजिए। यहाँ से 2.75 इंची आगे करके उसके बाद में ये वाला
आप वॉलेट पॉकेट का जो निशान है यहाँ से क्वार्टर इंची आगे की तरफ डाउन करके और फिर ये निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंची प्लस 4.25 इंची के ऊपर निशान लगा के और ये सीधा निशान लगा देंगे। ये पॉकेट का 10 इंची के ऊपर निशान लगाएंगे नीचे से 10 इंची प्लस ये जो फ्लैप के लिए 2 इंची का निशान लगाएंगे और ये जो वॉलेट पॉकेट बनाए यहाँ से 2.25 इंची नीचे डॉट का मार्क और यहाँ से 1.25 इंची आगे प्लस ये 7.5 इंची निशान लगा दीजिए पॉकेट का। हो गया। अब देख रहा है मैं पूरा यानी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। ये पहले जो साइड जो फ्रंट का होता है मैं फ्रंट से कटिंग करके पूरा ये मेरा क्लियर करके फिर मैं साइड तक जा रहा हूँ। तो आप भी कटिंग कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके से आइए से किसी को समझ में आए। उसके बाद मैं यहाँ से अपने 1.25 इंची निशान लगा के प्लस ये 1.5 इंची का 1.25 इंची का निशान लगा देना है। ये हो गया। अब आपको इसमें मेजरमेंट देना है तो यहाँ से 3 इंची और यहाँ से 2.5 इंची अब ये आपको बैक मेजरमेंट कर लेना है। ये बैक है 9 इंची और नीचे है 8 इंची तो यहाँ से 9 इंची रखेंगे। उसके बाद में 41 इंची है तो 20.5 इंची हो गया प्लस 22 इंची तो ये 34 है तो ये 17 × 34 हो गया प्लस 1.5 इंची अब ये जो आपका 16 इंची है तो यहाँ से 16 इंची के ऊपर निशान लगा देंगे। अब ज़्यादा यहाँ पे शेप आ गया तो इसको हमने यहाँ से 1.5 इंची के निशान लगाएंगे और ये शेप को जो है इस तरीके से अब ये जो मार्क है इतना जो लूजिंग दिया हुआ ये आपको यहाँ से कम करना है। ये आपका डॉट का यहाँ से मैं यहाँ पे कितना बढ़ाया हुआ था ये 1.5 इंची तो यहाँ से मेरा 1.5 इंची निकाल जाएगा। अब इसको जो है इससे कर देना है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा दें और यहाँ से 13 इंची प्लस 2 इंची अब इस तरीके से ये राउंड कर देना है यहाँ से भी राउंड कर देना है। अब ये जो है यहाँ पर भी आपको गोलाई कर देना है। ठीक हो गया। अगर ये वाला स्केल है तो इसी से आप गोलाई कीजिए। ठीक है। अगर नहीं है तो इसे आराम से गोलाई कर दीजिए। अगर ये वाला स्केल नहीं है तो यहाँ से आप इसे रखें और यहाँ से थोड़ा राउंड कर दें। ठीक है।
अगर ऐसा वाला स्केल है तो ऐसा वाला स्केल को इस तरीके से रख के ये वाला इतना रख दे। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग सब मिल जाएगा, सफारी का, शेरवानी का, प्लाजो पैंट का, लेडीज़ कोट शर्ट, आपको हर एक चीज़ फार्मूला के साथ में मिल जाएगा। तो आप सब मेरा चैनल से जुड़े रहे और भी मेरा वीडियो देखिए और कमेंट शेयर करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये मेरा ये 41 इंची हो गया और ये 34 इंची हो गया और ये 42 इंची हो गया। तो इसके हिसाब से मैं ये कटिंग बताया हूँ। तो इसका मुंडा जो है कटिंग करना है आपको, इसका मुंडा कटिंग करना है यहाँ से 9 इंची है तो 1.5 इंची कम करके यानी 7.5 इंची के ऊपर इसका मुंडा काटना है, ठीक है। तो 7.5 इंची के ऊपर इसका मुंडा मैं काटूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि उसमें तरीका जो होता है वो कैसे काटते हैं। तो उसके बाद में आप काटने का तरीका भी देखें। यहाँ से एक पैर आगे की तरफ छोड़ करके कटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको नीचे जो है ये 4 इंची जितना मार्जिन दे देना है और यहाँ 2 इंची ऊपर 2 इंची, क्योंकि मेरा साइड जो है वो पहले पक्का नहीं होता कच्चा होता इसलिए मार्जिन ज़्यादा देते हैं कि लूज टाइट करने के लिए या वो हैमी हाथ का सिलाई होता है मशीन का सिलाई नहीं होता है। उसके बाद में अब यहाँ से डार्ट निकाल देंगे और पॉकेट का ये आपको हर एक कोट में निकालना पड़ता है, प्लस यहाँ से आपको डार्ट का अभी जो यहाँ से पॉकेट से आप लोगों को निकाला हुआ इस तरीके से यहाँ से, तो ये वाला आपको इधर कटिंग करना है। इसको बाद में कटिंग करेंगे, पहले आपने ऐसे कटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ से मार्क लगा करके इस तरीके से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मुझे सपोर्ट करें। और आप लोग और भी कोट का कटिंग देखना है और पैंट का फार्मूले के साथ में, तो आप सब मेरे चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे आपको हर एक साइज़ का, हर एक सूट का, हर एक चीज़ का कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगा, कोट का भी स्टिचिंग मिल जाएगा आपको पार्ट पार्ट का। तो आप सब पूरा वीडियो देखिए
और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।